आप पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर देश भर में आप पार्टी द्वारा चीन के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। इसी कड़ी में छोटी काशी मंडी में भी आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में मौन जुलूस निकाला तथा चीन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। इस अवसर पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत चीन सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए देश के वीर सैनिकों को नमन किया तथा चीन की निंदा की। आप पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस घटना को गंभीरता से लेकर चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आप पार्टी ने आम जनता से स्वदेशी अपनाने व चाइनीज सामग्री का विरोध करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर आप पार्टी के मुकेश मंडोत्रा ने कहा कि भारत चीन सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए देश के वीर सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की भी अपील की है। मंडोत्रा है, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का उपाध्यक्ष, मेरे साथ मंडी जिला के उपाध्यक्ष हैं। हमारे सभी मंडलों के जो है वो अध्यक्ष भी यहाँ पे आज मौजूद है। जैसा की आप जानते हैं 15 तारीख शाम को जो है चाइना ने जो है धोखे से जो हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया गया, उसी के लिए हमने आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में जो है आक्रोश रैली जो है वो निकाली है। और उसी का एक रूप है कि आज हमने मौन जुलूस के तहत जो है विरोध दर्ज किया है कि अब चाइना को जो है उसकी औकात दिखाने का समय आ चुका है। इसलिए हम मोदी सरकार से ये आह्वान करते हैं कि वो कड़ा से कड़ा कदम जो है चीन के खिलाफ उठाए, और देश की जनता से भी आह्वान करना चाहते हैं कि जिस तरह से चीनी कंपनियां हमारे यहाँ पे व्यापार करती हैं, क्यों ना उनका बायकॉट किया जाए, उनको बताया जाए कि हम अपने बलबूते पे आगे बढ़ सकते हैं। और देश के सभी नागरिकों से मैं ये भी आह्वान करना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें।